नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। एनडीए सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले बिहार से खबर आई थी कि एनडीए को लेकर के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनडीए अपने कुछ वादों को लेकर के, अपने कुछ रागों को लेकर और दिन भर राग अलापने में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश की जो पार्टी है वो कुछ और सोचती है, एलजेपी पासवान की पार्टी है वो कुछ और सोचती है, और मोदी सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं इन सभी पार्टियों में एक अपने आप में, कहते हैं कि अपने आप में एक मनमुटाव सा है। कोई किसी की नीतियों को पसंद नहीं करता है, तो कोई किसी की रणनीति को पसंद नहीं करता है, तो कोई कुछ ना कुछ अपने, क्योंकि हर किसी को अपने राजनीतिक स्वार्थ साधना है, और राजनीतिक स्वार्थ में अगर बीजेपी कोई कुछ अलग फैसले लेती है तो बीजेपी को ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ जो पार्टियां चल रही हैं उनको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और ये चीज़ एनडीए सरकार में बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। आपको बता दूं कि पूरी खबर पर अगर रुख करूं मैं, तो सामने कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब जनता दल यूनाइटेड ने दलित एक्ट के कड़े प्रावधानों को अध्यादेश के जरिए बहाल करने की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी की मांग का समर्थन किया है, और इसके साथ ही इस मामले पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके गोयल को रिटायरमेंट के 48 घंटों के अंदर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी को चेयरमैन बनाने के फैसले पर सवाल उठाया। आपको बता दूं कि इससे पहले एलजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान ने शुक्रवार को मोदी सरकार को 9 अगस्त से पहले एके गोयल को एनजीटी के चेयरमैन पद से हटाने और SC ST एक्ट पर अध्यादेश लाने का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी कि मोदी सरकार को पासवान का अल्टीमेटम है कि आप एके गोयल को हटाइए, वरना फिर आप कुछ भी, हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं। सीधा सीधा मतलब यही है। अब जस्टिस एके गोयल सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे जिसमें 20 मार्च को दलित उत्पीड़न कानून के गैर जमानती प्रावधान को ख़त्म कर देने का फैसला लिया था, और दलित वोट बैंक के मद्देनज़र एनडीए के भीतर गैर बीजेपी दल भी इस मामले पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। अब JDU महासचिव KC त्यागी ने शनिवार को एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि जब VP सिंह अगुवाई में लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान सब साथ थे, तब दलित हितों की रक्षा के लिए कानून बना था, इसलिए आज अगर कोई भी इसे छेड़छाड़ करता है तो इसका विरोध होना स्वाभाविक है। अब वहीं त्यागी ने यह भी कहा है कि 9 अगस्त को दलित संगठनों के देशव्यापी आंदोलन में LJP के शामिल होने के फैसलों को भी जायज ठहराया जा रहा है। उन्होंने BJP के दलित वोट बैंक खिसकने की चेतावनी देते हुए कहा कि जब 2019 में दलित वोट नहीं करेगा तो NDA कहाँ बैठेगा, हमें उनके सरकारों पर ध्यान देना होगा या नहीं। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। अब जिस तरीके से NGT के चेयरमैन पद से हटाने को लेकर के सरकार, मोदी सरकार को SC ST एक्ट पर अध्यादेश लाने का पासवान ने अल्टीमेटम दिया है, उससे तो साफ ये नज़र आ रहा है कि मोदी सरकार को अब खतरा हो सकता है। NDA में जिस तरीके से LJP और JDU जिस तरीके से एक दूसरे पे विफर रहे, यानी LJP की मांग का समर्थन किया है, इसके साथ ही इस मामले पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके गोयल को रिटायरमेंट के 48 घंटों के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का चेयरमैन बनाने के फैसले पर सवाल उठाया है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिनको संभालना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी को अगर 2019 का रास्ता क्लियर करना है, साफ करना है, फिर से अगर PM बनना चाहते, लेकिन तो उनको कुछ चीज़ों पर अपनी
अंतरात्मा से सोचना पड़ेगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा से सोचते हैं और एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आ जाते हैं, ऐसे ही मोदी सरकार को भी अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि आखिर उनको करना क्या है। एनडीए को लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा है, सीटों के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है। पासवान की पार्टी हुई, चाहे वो कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, सभी अपने अपने स्टैंड पर कायम है। लेकिन बीजेपी, अभी पिछले दिनों जब अमित शाह वहाँ गए हुए थे बिहार नीतीश कुमार से मिलने के लिए, तो उन्होंने जब डिनर पर गए थे तो उन्होंने कुछ बातें की होंगी कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है, किस तरीके से बंटवारा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये सिद्ध करती हैं कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है। ये पार्टियां अपने तौर तरीकों पर अड़ी हैं और उनको भी कहीं ना कहीं अपने तौर तरीकों को संभालना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम्स ऐसी आएगी कि 2019 में के लेकर के मोदी सरकार जो है, बीजेपी है, वो रणनीति बनाने में लगी हुई है। उसे चाहिए कि 2019 में फिर से बीजेपी सरकार लौट करके आए। लेकिन अगर बीजेपी इसी तरीके के ढुलमुल रवैया अपनाती रही या अपने सगी पार्टियों को उन्होंने खुश नहीं कर पाया, उनको अपने फेवर में नहीं ले पाया, तो आप यकीन मानिए कि फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, बीजेपी के लिए दिख रहे बढ़ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। CWC की जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारी रणनीति निकल के आई है। अब कांग्रेस चाहती है कि भले ही कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को महागठबंधन का मुख्य चेहरा बनाने की कवायदें शुरू हुई थी, लेकिन वो कवायदें अब थम सी गई हैं, क्योंकि महागठबंधन में कई और चेहरे हैं जो खड़े हो गए हैं कि मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर मुख्य चेहरे के रूप में खड़ा होना है। तो अब कांग्रेस को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अभी मेरे फेवर में, हमारी पार्टी के फेवर में नहीं है, तो कांग्रेस को उस तरीके से काम लेना पड़ेगा कि अगर सांप मन नम लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। तो अब जिस तरीके से रणनीति अपनाई गई है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि RSS समर्थित कोई भी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, तो फिर वो इस चीज़ पर राजी है। कोई मेल अगर महागठबंधन का चेहरा बनता है, प्रधानमंत्री का चेहरा बनता है, अगर गठबंधन की सरकार बनी तो, और अगर गठबंधन की सरकार बनने के बाद जो मुख्य चेहरा सामने आएगा प्रधानमंत्री का, वो फीमेल और मेल भले हो, लेकिन उसमें RSS का हाथ नहीं होना चाहिए। RSS की छत्र छाया में वो पला बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर महागठबंधन को ही धोखा दिया जाएगा। तो ऐसे में एलियंस और बीजेपी सीम्स टू हैव ऑप्टेड टू द एंटी अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से NDA के कुछ घटक दल हैं जो अपना रास्ता कहीं ना कहीं अपने हाथों को, अपने पैरों को खींच रहे हैं, वो मोदी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ मुद्दे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो करवाना चाहते हैं, और सरकार ने अगर अभी भी नहीं सुना तो फिर बिखरना शुरू। हालांकि अमित शाह हुए, प्रधानमंत्री मोदी हुए, ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी चतुराई से, अपनी बातों के जरिए कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी को कन्वेंस कर लेते हैं। अब पासवान की पार्टी को, जेडीयू को और लोजपा कुशवाहा की पार्टी को किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, किस तरीके से वो अपने धरातल पर रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2019 नज़दीक है और ऐसे में पूरी तरीके से काम करने में लगना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने हाथों से सत्ता खो बैठेगी। और ऐसे में जब पासवान की पार्टी से
प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक अल्टीमेटम आया है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।